हेलो स्टूडेंट्स, तो इसी कड़ी में आज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग फर्स्ट में फोर्थ सेमेस्टर के 11 के इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्टर के बारे में आज हम लोग बनाएंगे उसको और उसके कुछ डायमेंशन देखेंगे कि बनाने के इजी वे यानी किस आसान तरीका देखेंगे किस तरह से इसे आसान आसानी से बनाया जा सकता है और स्वच्छ बनाया जा सकता है। इस ड्राइंग जो हमारा 11 के पेन स्वेटर है इसको बनाने के लिए HB पेंसिल और 2S पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको बनाने के तरीके सीखते हैं किस तरह से इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन यानी कि एक सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन खींचने के बाद आगे के प्रोसीजर हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर लाइन खींच लेते हैं। सेंटर लाइन खींचने के जस्ट बाद हम इसके सबसे ऊपरी वाले भाग पर क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर डाया का एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इसके बाद इसके अर्धवृत्त के पॉइंट है जो हमारा जुड़ा हुआ पॉइंट, इस पॉइंट से इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड हम 1-1 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे। इसके खींचने के बाद हम जो हमारा अर्धवृत्त है इसके सबसे निचले वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर सेंटर लाइन पे होते हुए नीचे आएंगे तो वहाँ एक बिंदु मिलेगा। 1 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद इस बिंदु से लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड हम 2.5 सेंटीमीटर जाएंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर जब जाएंगे तो एक बिंदु मिलेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड। ये जो बिंदु मिलता है तो इस वाले बिंदु को जो हमारा टॉप फ्लोर पे छूटा हुआ था 1 सेंटीमीटर जो बढ़ा रखे थे इससे हम इस बिंदु को मिला देंगे। इसके मिलाने के बाद जो इस बिंदु पर हम जो हमारा आगे वाला इस बिंदु पर हम आधा यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाएंगे यहाँ पर भी वो रहेगा 0.5 सेंटीमीटर डायग यानी कि 0.5 यानी कि 5 mm का हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे डायग। इतना बनाने के बाद यहाँ पर जो हम बनाएंगे थोड़ा सा कर्व लेते हुए बनाएंगे। इसके बाद इस यहाँ से 2 mm नीचे आए यानी कि 2 mm नीचे आए इस साइड 2 mm नीचे आए। 2 mm नीचे आने के बाद हम इसको इस यहाँ पर सेंटर लाइन से हम इसको मिला देंगे। इस यहाँ तक सेंटर लाइन से इसको मिला देंगे लेकिन इस साइड में नहीं मिलाएंगे तो छोड़ देंगे। आगे आते हैं, इस सेंटर लाइन का जो ये बिंदु है इस बिंदु से हम 1.5 सेंटीमीटर नीचे आए, 1.5 सेंटीमीटर नीचे आए ये बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर राइट साइड और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड है। तो एक बिंदु ऐसे यहाँ पर भी मिलेगा, इस जगह पे आएंगे तो
ऐसे हमारा एक बिंदु, ये बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु को हम यहाँ तक मिला देंगे, इतना मिलाने के बाद, इतना मिलाने के बाद जो है, इतना मिलाने के बाद जो है, हम इस यहाँ पे नीचे डायड, इस की लाइन के सीधे नीचे डायड करेंगे और इस वाले में भी ऐसे डायड करेंगे सीधे। हम यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व बनाते हैं, यहाँ तक गया है सेम, इस साइड में कर्व बनाते हैं यहाँ तक खींचेंगे। सारी लाइनें आप इस स्केल से ही खींचेंगे, फ्री हैंड बनाने का ये मतलब नहीं होता कि आप सीधा हाथ से ही खींच देंगे। आप फ्री हैंड बनाने का मतलब आप स्केल इस्तेमाल, स्केल इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके बाद आगे आते हैं तो इसका आधा, इस दोनों के बीच का आधा जो बीच वाला जो पार्ट बिंदु है, इस बिंदु से हम नीचे आएंगे। कितना जाएंगे हम नीचे? 2.5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो एक बिंदु मिलेगा। तो 2.5 सेंटीमीटर जाने के बाद एक बिंदु यहाँ मिल रहा है। सेम इस साइड में भी आएंगे 2.5, तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। इस ये बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को यहाँ से कर्व बनाते हुए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको मिला देंगे। यहाँ इसको मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद आगे जो है, यहाँ से कर्व बनाते हुए इसको डायरेक्टली मिला देंगे सेंटर लाइन पे। इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। यहाँ पे जो है ऐसे कर बनाएंगे, इस तरह से आप बना लेंगे। इसके बाद इसके सीध से, इस वाले बिंदु से जो सीध, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, इससे आप कितना नीचे आएंगे? 3.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, 3.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। तो वहां एक बिंदु मिलेगा। ये सेम इस साइड से भी हम 3.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। तो वहां एक बिंदु, इस बिंदु से यहाँ पर जो है आगे आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ पर बिंदु मिलेगा। फिर इसके लाइन में सीधे आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले बिंदु को हम इससे डायरेक्टली मिला देते हैं, इसे डायरेक्टली मिला देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा बिंदु इससे सीधे आए, यहाँ पर बिंदु मिला था, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्टली मिला देंगे। यहाँ पर मिला, यहाँ मिला देने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर हम कर्व बनाते हैं। ये जो डायमेंशन यहाँ से शुरू होगा वो 3 mm से शुरू होगा और यहाँ 5 mm पर लास्ट होता है। 5 mm नीचे, इस साइड से 5 mm इधर और इस साइड से नीचे 5। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पेन स्केल लगा के डायल करते हैं, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इतना तक कर्व में रहेगा, इस तरह से करेंगे यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक ले आने के बाद इस वाले साइड में चलते हैं, यहाँ पर भी कर्व बनाएंगे और इसको जो है ऐसे होते हुए चला के मिला देंगे। इतने जैसे ही करते हैं सारा हमारा पूरा का पूरा इंसुलेटर का बाहरी आवरण कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बाहर का जितना भी हमारा सेक्शन होता है वो हमारा बन जा रहा है। अब अंदर में हमारा जो होता है
क्लैंप लगाया जाता है, रॉड होता है, एक नट रहता है, एक नट बोल्ट होता है जिसके टाइट में नट रहता है, नट जो है इसके अंदर जाके समाता है, ठीक है, जो हमारा बोल्ट होता है, जो बोल्ट होता है इसके अंदर जाके हमारा समाता है। तो देखते हैं, तो बोल्ट को का हम सेक्शन इसके अंदर का जो इधर चूड़ी जो कसी रहती है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ तक बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर साइड है, 1 सेंटीमीटर इस साइड, यहाँ से हम इसको मिला देंगे, इस तरह से टाइट रह सकते, मिला देंगे। इसके बाद हर आधे सेंटीमीटर पर हम सेंटर लाइन पे बिंदु सेट करेंगे, हर आधे सेंटीमीटर, हर आधे सेंटीमीटर जो बिंदु मिला गया है ये मिला, इसको हम ऐसे मिला देंगे। और इसके बीच भी इसके हमारा जो आधे सेंटीमीटर फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ तक हम इसके बीच वाले पार्ट से आए, फिर इसके बीच वाले पार्ट से आएंगे, इसको यहीं तक ही खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको मिला लेंगे, ऐसे मिलाते रहेंगे, तो ये अंदर का जो हमारा सेक्शन होता है वो बनके तैयार हो जाएगा। अंदर का अब इसका हमारा पूरा का पूरा स्वेटर बन जाता है। स्वेटर बनाने के लिए जो स्टेप होंगे उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद इसका एक्चुअल जो हमारा इसका सही माप है, इस पर हम जो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स IER रूल्स के थ्रू जो हमारा होता है उसको हम इस पर साइड डायमेंशन पर शो करेंगे। जो साइड डायमेंशन शो करेंगे उसकी जो है माप हम इस पर दिखाएंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ऊपर का जो हमारा ये अर्धवृत्त हमने बना रखा, ये जो डाया रहता है इसमें वो ये हमारा क्या होता है, वृत्ताकार होता है और लंबाई यानी कि सिलेंडर की तरह होता है। जो हमारा वृत्ताकार जो आवरण बना रहता है वो हमारा क्या होता है, उसको हम डाया, जब तक हम उसका व्यास नहीं बनाएंगे तब तक हमारा सिलेंडर हमारा वृत्ताकार बनेगा नहीं। तो हम ये जो हमारा होता है वृत्ताकार जो हमारा आवरण बनेगा वो रहता है हमारा कितने का, वो 22 फाई रहता है। फाई मतलब वृत्ता, फाई मतलब होता है, फाई इस तरह का होता है, इस मतलब वो वृत्ताकार दिखा रहा है आवरण। तो यहाँ पर हम 22 फाई करेंगे, 22 फाई करने के बाद आगे ऊपर चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो रहती है कितना, 50, वो रहता है 50 फाई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहती है ये वाली, हाँ अंदर के सारे जो भी होंगे डाय डाय सारे हम मिटा लेंगे, जो भी डाय डाय होते हैं हम इसको मिटा देते हैं बाद में। यहां तक की जो दूरी होती है वो 95 फाई रहेगी, यानी कि 95 फाई। ये जो डायमेंशन शो करेंगे ये हमारा 152 फाई होगा। ये जो दूरी रहती है वो रहता है हमारा 122 फाई। ये दूरी होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक 122 फाई। नीचे भी वही हमारी दूरी है, यहाँ भी यही तो हमारी 122 फाई यहाँ भी है। अब हमारे ये वाला सेक्शन होता है, इसकी दूरी कितनी होती है, ये जो दूरी रहेगी हम यहाँ पर शो करेंगे,
ये हमारा 73 फाई होता है और ये जो सेक्शन रहता है हमारा जो कि इंसुलेटर के अंदर वाले पार्ट में चूड़ी कटी रहती है अंदर की ओर में जो हम क्लैंप लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका जो डायमेंशन होगा वो 24 फाई होगा। हाँ और ये जो कर्व होता है ये जो कर्व बना हुआ है जो हम कर्व लेते हैं बनाए इसका जो डायमेंशन होता है वो 30 आर होगा। कितना होगा 30 आर होगा। इस पॉइंट से सबसे बॉटम वाले पॉइंट तक का जो दूरी होती है यानी ये जो लेंथ होती है ये वाली जो लेंथ होती है इसका डायमेंशन हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन यानी कि सबसे निचले वाले पॉइंट तक। ये 37 होती है ये जो हमारा ऊंचाई है ऊंचाई हमारी है ऊंचाई यानी इसकी जो हमारी हाइट है वो कितनी रहेगी 37। ये फाइव इसमें नहीं दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं ये हमारा जो ये चीज़ है ये हमारा जो इसकी जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा हमारा 10। ये हमारा 10 रहेगा और इस निचले वाले पॉइंट से जो यहाँ तक की ऊंचाई रहती है हमारी वो 8 रहती है। कितनी रहती है यहाँ से लेकर निचले वाले पॉइंट की जो दूरी होती है हमारी यानी ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं यह हमारा कितना रहेगा 8 रहेगा। ये हमारे 10 रहेगा ये हमारा यहाँ से ऊपर से नीचे तक की जो हमारा रहेगा वो हमारा 8 है। इसके बाद हम इसके 6 इसके हम जो हमारा इसका अदर इधर साइड का डायमेंशन हम शो करते हैं डायमेंशन में क्या क्या चीज बची हुई है ध्यान देते हैं यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 19 होती है। और यहां से यहां तक की दूरी जो रहेगी वो 16 रहती है। और ये जो हमारा यहां तक पूरा 16 है लेकिन ये जब हम 2-4 हटा देंगे तो हमारी ये 12 बचता है लेकिन 12 में पूरा दिखा रखा है 16 ये वाला भी डायरेक्ट हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा 4 रहता है यार यहाँ से इस बल यानी यहाँ से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी रहती है वो कितनी रहती है वो हमारा रहता है ये जो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन रहता है वो हमारा 33 रहता है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन रहता है जो हमने 2.5 दे रखा था उसका जो डायमेंशन दिखाएंगे वो हमारा 42 रहता है। और इस जगह से सबसे निचले वाले पॉइंट तक जो दूरी रहती है वो हमारा 52 रहता है। इसके बाद ये जो हमने कर्व बना रखा था ये हमारा वृत्त जो बना रखा है ये हमारा जो डायमेंशन होता है वो 9 आर रहता है। और इस चूड़ी के अंदर जो अंदर चूड़ी बना हुआ है इस अंदर कितनी गहराई है कितनी हाइट रहेगी वो हाइट रहती है 75। ये पूरा का पूरा इंसुलेटर आपका बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो आप इसके यहाँ पर हैचिंग कर सकते हैं या शैडो बना सकते हैं आपको करके साइड में आधा पार्ट वहाँ दिखा आधा पार्ट नहीं दिखा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन डायमेंशन दिखाने थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप इतना बना के हाइजीन से करके आप लोग भी हाइजीन कर सकते हैं बीच के पॉइंट से ठीक है।
आगे हम इसका क्लैंप बनाना है, क्लैंप के बनाएंगे तो क्लैंप के लिए हमारा जो डायमेंशन होगा वो ध्यान देंगे क्या क्या होता है। क्लैंप के लिए जो रहेगा वो हम सबसे इधर ही किनारे बनाएंगे, ध्यान देंगे ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, 1.5 सेंटीमीटर होकर नीचे तक हम आएंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो समांतर रहेगी, वो हमारा कितना रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम वैसे कर्व बना लेंगे। इसके बाद जो रहेगा आपका ये जो दूरी रहेगी आपकी 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर रख सकते हैं आप, 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा दिखा है कि आपको क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर या फिर आप 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। तो 4 सेंटीमीटर हम लोग रख लेते हैं यहाँ, या 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लेते हैं, इस तरह से आपका बनके तैयार होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रखेंगे आप 2 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रखेंगे वो 2 सेंटीमीटर रखेंगे। और ये जो दूरी रखेंगे आप लोग वो आप लोग क्या रखेंगे वो 2 सेंटीमीटर, ये जो यहाँ से 18 सेंटीमीटर है इससे ज़्यादा है, यानी कि इधर 0.6 इधर भी 0.6, यानी 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 mm इस साइड ले जाएंगे और 6 mm सेट ले आएंगे। इसके बाद 2 mm का एक नीचे आके इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। इसके बाद नीचे आए, आधा सेंटीमीटर नीचे, आधा सेंटीमीटर साइड, आधा सेंटीमीटर लाइन ऐसा से खींचेंगे हम लोग, आधा सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से हम आधा सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो यहाँ से होते हैं कर्व बना लेंगे, इस तरह से कर्व बन जाएगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लेंगे, ये बना, ध्यान रहे ये हमारा 1 सेंटीमीटर पीछे तक जाएगा, ये बीच वाले पार्ट को हम ऐसे कर लेंगे ऐसे, इसके बाद यहाँ पर लगभग 3 सेंटीमीटर तक आप नीचे आएंगे, 3 सेंटीमीटर तक यहाँ पर हैचिंग बना लेंगे,
इस तरह से बना लीजिए, इसकी जो सेल इस साइड में भी 2 सेंटीमीटर, 2 mm इधर, 2 mm इधर, ऐसे कर लेंगे। इस तरह से आपका बन के तैयार हो जाता है पूरा का पूरा आपका कलाइम। इसका डायमेंशन जो शो करेंगे, डायमेंशन शो करने के लिए इस साइड में आएंगे, ये जो हमारी चूड़ी जो करता रहता है, जो चूड़ी आपके अंदर जो अंदर जाएगी, हमारा बोल्ट है, जो हमारा बोल्ट अंदर जाता है उसका जो डायमेंशन होता है, वो रहेगा 76। अभी देखिए यहाँ पर आपका 75 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। सेम ये जो रहता है डायमेंशन, ये आपका 5 रहेगा, ये कितना रहेगा 5 रहेगा। ये जो रहता है डायमेंशन, वो हमारा 2 रहता है, और ये इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है वो हमारा 10 रहता है। हाँ, अभी हमने बताया था ये हमारा कितना रहेगा आधा, और ये हमारा कितना रहेगा 4 mm रहेगा, 4 mm, ये हमारा 5 mm रहता है, ये हमारा 4 mm। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 होती है। ये हमारा डायमेंशन तो हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ यहाँ पर जो हमारा इसका जो डाया होता है, जो बोल्ट का जो डाया, बोल्ट का जो डाया होता है वो रहता है, ये रहता है 24 फाई। हमने यहाँ 24 फाई दे रखा है, 24 फाई यहाँ पर भी रहेगा 24 फाई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, वो जो लेंथ होती है वो आपका होता है 200 mm। यहाँ से सबसे नीचे वाले पॉइंट तक की जो दूरी होती है यहाँ से इस सेक्शन तक का कर लेते हैं, जहाँ तक चूड़ी कटी होती है वहाँ तक का देख लेते हैं। ये हमारा 50 रहता है, और पूरा नट, जो पूरा जो नट रहता है वो आपका 100 रहता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है इंसुलेटर बन के तैयार हो जाता है। सारे डायमेंशन याद रखेंगे, आप फ्री हैंड बनाएं, लेकिन जब हम फ्री हैंड बनाने में भी कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं जो इतने आसानी से बन जाता है, और सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, और जो IR रूल के थ्रू हमारा जो डायमेंशन है उसको हम इस पर दिखा देंगे। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा 11 kV इंसुलेटर आज ये कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद हम 33 kV इंसुलेटर पढ़ेंगे, सेम उसमें भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है उसकी डिजाइन में, और इसकी डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है, और उसके वोल्टेज जो उसका वोल्टेज रेटिंग भी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा उसका डिजाइनिंग में अंतर आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।